नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 40,120 नए केस और 585 लोगों ने गवाई जान। भारत में अब भी रोजाना 40,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 40,120 नए कोरोना मामले सामने आए और 585 संक्रमितों की जान चली गई है। अब वैक्सीन की सिंगल डोज ही काफी, सितंबर में आएगी स्पुतनिक लाइट, जानिए इसके बारे में। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग के लिए अपना दावा पेश किया है। शुरुआत में ये वैक्सीन सीमित मात्रा में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत करीब 750 रुपए होने की उम्मीद है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, देश छोड़कर जाने पर रोक। इस नोटिस के जारी होने के बाद वे बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते। ये नोटिस थाने पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी किया गया है। पीएम मोदी ने आज गुजरात इन्वेस्टर समिट को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कारोबारियों से हुए रूबरू। इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसे गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। पेट्रोल डीजल प्राइसेस, कच्चा तेल हुआ सस्ता, पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतों की हो गई घोषणा। इंटरनेशनल मार्केट में भले ही क्रूड ऑयल की कीमतें बदल रही हैं, लेकिन भारत में ग्राहकों के लिए पेट्रोल डीजल के मामले में राहत की बारिश जारी है। अयोध्या में आज 21 किलोग्राम के चांदी के झूले में विराजेंगे रामलला। 498 साल बाद आया अवसर, अयोध्या में आज रामलला चांदी के झूले में विराजमान होंगे। सावन शुक्ल पंचमी यानी कि शुक्रवार 13 अगस्त यानी कि आज ही के दिन वैकल्पिक गर्भगृह में उनका झूला पड़ेगा, जिस पर रामलला सहित चारों भाइयों का विग्रह स्थापित कर झूला झुलाया जाएगा। तालिबान के हाथों हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का नहीं, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि वो हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का नहीं था। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि ये अफगानिस्तान का आंतरिक मामला है और मैं उस पहलू पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सामने आए राज्यसभा में बवाल के चार वीडियो, फंदे के साथ नजर आई टीएमसी सांसद डोला सेन। वीडियो में दिख रहा है कि डोला सेन और शांता क्षेत्री अपनी सीट से निकलकर डेरेक और ब्रायन की सीट के पास जाकर खड़ी हो गई थी। डेल्टा प्लस वेरिएंट से महिला की मौत, ले चुकी थी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। बताया जा रहा है कि मृतक 76 वर्षीय महिला मरीज में 21 जुलाई को कोरोना डिटेक्ट हुआ था। मृतक महिला को कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज भी लगी हुई थी। 24 जुलाई को इस महिला मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया था। चार्ल्स और डायना की शादी के केक का टुकड़ा 1.90 लाख में बिका। राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी के केक का एक टुकड़ा 18,500 पाउंड यानी कि 1,90,324 रुपए में नीलाम हुआ है। जय श्री राम का नारा लगाने की बात कहकर रिक्शा चालक की पिटाई, मुकदमा दर्ज। साउथ कानपुर की डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया है कि थाना बरा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के लिए खुलेंगे स्कूल। शैक्षणिक संस्थान खोलने की मंजूरी मंत्रियों की एक समिति द्वारा सभी कोविड प्रोटोकॉल को बनाए रखने की शर्तों पर लागू की गई है। ओलंपिक मेडल चूकने वाले खिलाड़ियों को टाटा मोटर्स का तोहफा, चौथे स्थान पर रहे खिलाड़ियों को मिलेगी कार। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक, पहलवान दीपक पुनिया और महिला हॉकी टीम रविवार को समाप्त हुए टोक्यो खेलों में चौथे स्थान पर रही थी। कंगना रनौत ने पूरी की फिल्म धाकड़ की शूटिंग, इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर कही खास बात। फिल्म में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी नजर आएंगे। निर्माताओं ने जनवरी में घोषणा की थी कि फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आज है नागपंचमी 2021। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाने का विधान है। हमारे देवताओं के बीच नागों का हमेशा से अहम स्थान रहा है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2021। आज है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। दुनिया की रंग दिखाने वाली हमारी आंखों को हम कैसे सहज रख सकते हैं, कैसे संभालना है, ये बहुत जरूरी है। श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर जानवी कपूर ने यूं किया अपनी मां को याद, शेयर की अनदेखी तस्वीर। श्रीदेवी की आज बर्थ एनिवर्सरी है,
इस मौके पर जानवी कपूर ने अपनी मां के साथ एक अनदेखी तस्वीर शेयर कर उन्हें याद किया है। ओडिशा के एक व्यक्ति ने लिया अनोखा बदला, जहरीले सांप को काट कर उतारा मौत के घाट, वीडियो हुआ वायरल। ओडिशा में एक शख्स ने सांप को पकड़ लिया और उसके शव को लहराते हुए गांव में घूमा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी। अजय देवगन की भूज द प्राइड ऑफ इंडिया फैंस के लिए सुपरस्टार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की दावत है। यदि आप ये फिल्म देखने के इच्छुक हैं, तो ये फिल्म केवल आप ही के लिए तैयार की गई मल्टी स्टारर फिल्म के बारे में हर संभव जानकारी है। बैंक के कामकाज में मिली गड़बड़ियां, आरबीआई ने लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोलकाता की विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज पर कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल टीवी वंशिका चौहान के साथ।